परिवहन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली धड़ल्ले से हो रही है। विभाग के अधिकारियों ने निजी कर्मचारी रख छोड़े हैं जो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। इन्हें ना ओवरलोड वाहन से मतलब है ना तस्करों से। बीते 2 माह में दर्जन भर से अधिक एक्सीडेंट हो चुके हैं व पुलिस द्वारा शराब पकड़ी जा चुकी है। बता दें कि धौलपुर की तरफ से आने वाले ओवरलोड वाहन जब मुरैना के ओवरहेड ब्रिज से स्पीड में गुजरते हैं तो छोटे वाहनों को पीछे से टक्कर मार देते हैं। ओवरलोड होने व ढलान के कारण इनके ब्रेक भी धोखा दे जाते हैं। यह स्थिति छौंदा टोल से लेकर धौलपुर बॉर्डर तक देखी जाती है। इन भारी भरकम ट्रकों को रोकने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के चेक पोस्ट की है, लेकिन यहां इनको रोका नहीं जाता है बल्कि सुविधा शुल्क लेकर आसानी से जाने दिया जाता है, जिससे यह वाहन दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। इन ओवरलोड वाहनों से आए दिन दुर्घटना हो रही है। बीते 2 माह में दर्जन भर से अधिक एक्सीडेंट के मामले सिविल लाइन थाने में दर्ज हैं। इसके अलावा छोटे एक्सीडेंट की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। धौलपुर व ग्वालियर के बीच शराब की तस्करी जोरों से है। मुरैना की सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाल ही में 2 तस्करों को पकड़ा था। इसके साथ ही 40 किलो अवैध गांजा भी 2 दिन पहले पकड़ा गया है। यह तो मामले हैं जो पकड़े गए हैं, जबकि हकीकत तो यह है हर दिन छोटे बड़े वाहनों से शराब व मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। धौलपुर से लाई जाने वाली अवैध शराब व गांजा मुरैना व ग्वालियर सहित अन्य जिलों में खपाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि चेक पोस्ट व जिले की कमान जिले की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार के पास है, लेकिन वे कार्यालय ही नहीं आती हैं तथा ग्वालियर स्थित अपने घर से ही अपना कामकाज चलाती हैं। उनके यहाँ न रहने से विभाग के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं और मनमानी व भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर।